हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आपका कभी भी आउट होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कब तक रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। ऑफिशियल वेबसाइट है ये एसएससी की, अभी मैंने रिफ़्रेश किया है आपके सामने। और जब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर 24 मार्च को लास्ट अपडेट आई थी एमटीएस 2021 हवलदार के रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जब भी अपडेट मिलेगी, दो अपडेट यहाँ मिलनी बाकी हैं। एक तो सीएचएसएल 2022 की आंसर की आने वाली है, उसके बाद आपका एसएससी जीडी 2022 का रिज़ल्ट आने वाला है। दो अपडेट अभी बाकी हैं। जीडी के कट ऑफ के लिए आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पर कट ऑफ देखा होगा, जो कि एक्सपेक्टेड काफ़ी लोग बता रहे हैं एनालिसिस करके। लेकिन एक बात जो 100% श्योर रहेगी वो ये कि कोई भी चैनल यूट्यूब पर जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो प्लस माइनस 5 के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे जो ओरिजिनल कट ऑफ आएगा। क्योंकि इस तरीके के एग्ज़ाम जो होते हैं इनमें कट ऑफ एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 28 मार्च, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई, दिन है आज ट्यूसडे, रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट। तो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड क्या बनने वाला है, तो थर्सडे या फ्राइडे, यानी कि ये डेट रहेंगी 30 तारीख और 31 तारीख, 30 या 31 मार्च में ये रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड कराने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि 30 या 31 मार्च में ये आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एमटीएस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप लोग ज़रूर चेक कर लें। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।